हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑटोमोबाइल ऑन अ लेवल और फ्लैट कर्व्ड रोड। लेट अस सपोज एक कार है जो एक रोड पे मूव कर रही है एंड द रोड इज टर्निंग लाइक दिस। लेट अस सपोज ये जो रोड का जो कर्व है इसकी रेडियस है आर, इस व्हीकल का मास है एम और ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, वी स्पीड से मूव कर रहा है और इसके टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, आई टेक इट इक्वल टू म्यू। नाउ व्हेन दिस व्हीकल टेक्स अ टर्न ऑन दिस रोड, तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। जो चाहेगी ये स्किड हो जाए कार, तो इसके ऑपोजिट एक फोर्स लगेगी दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स एंड द रोड जो इसको बैलेंस करेगी। लेट्स हैव अ लुक एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिचुएशन। द वेट ऑफ द कार विल बी बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। कर्व के बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगी दैट विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी टेंडेंसी होगी इस कार को स्किड कराने की। लेकिन टायर्स और रोड के बीच में हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन होगी और इसका काम होगा बैलेंसिंग दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ती है, अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ती जाएगी अकॉर्डिंगली। दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन टिल इट अटेन्स द लिमिटिंग फ्रिक्शन। आवर मेन कंसर्न इज टू फाइंड द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड इन ऑर्डर टू अवॉइड द स्किडिंग ऑफ कार। जब भी ऐसा कोई रोड का कर्व आता है वहां पर एक बोर्ड लगा होता है कि दिस इज द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड लिमिट डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स के लिए। इससे ज्यादा स्पीड होती है तो हमारी कार स्किड कर जाएगी एंड दैट कैन कॉज रियली हैजार्डस एक्सीडेंट्स। सो इफ वी डोंट वॉन्ट आर कार टू स्किड इन दिस डायरेक्शन मूव करते हुए, then this friction force should be greater than or equal to mv square upon r। frictional force zyada honi chahiye to hamari car skid nahi hogi। and what is the value of friction, it's equal to mu r and this mu r should be greater than equal to mv square upon r। yahan par normal reaction kisko balance kar rahe hai, mg ko balance kar rahe hai, dono ki value same hogi aur i can write mu mg is equal to m v square upon r। this m gets cancelled, it means it's greater than equal to, so it means v square should be less than equal to mu g r or I can write v should be less than equal to under root of mu r g। this is the maximum safety speed of the vehicle। jo vehicle ki speed hai wo under root mu r g se kam hi honi chahiye, agar wo isse zyada hui तो हमारी कार राइट डायरेक्शन में स्किड कर जाएगी। इन ऑर्डर टू क्रॉस द फ्लैट कर्व्ड रोड विदाउट स्किडिंग, अगर हम स्किडिंग अवॉइड करना चाहते हैं, इट मींस वी नीड टू सेटिस्फाई द कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए वी हैव टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अगर हम स्पीड डिक्रीज कर लें देन दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड और वी हैव टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ कर्व्ड रोड। अगर हम आर की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे तो हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, या फिर हम म्यू इंक्रीज कर दें, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड्स रोड एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल। सो दिस इज हाउ वी कैन अवॉइड स्किडिंग। नाउ फॉर रेसिंग ट्रैक्स, जहां पर व्हीकल की स्पीड बहुत ज्यादा होती है बिकॉज वहां पर आपको रेस जीतनी है, वहां पर अगर ऐसे टर्न्स लेने होते हैं तो वहां पर बैंकिंग होती है रोड की। इन बैंक्ड रोड the outer edge of curved road is raised with respect to the inner edge, it is done to provide the sufficient centripetal force to avoid the skidding on curved roads। racing car tracks mein jab curve aate hain to is tarike se jo outer edge hota hai wo raised hota hai as compared to the inner edge, this is what we call the banking of road, ke ek side humne bank kar di hai, raise kar di hai। Let's analyze the situation in detail। Let us suppose our car is taking a turn, the mass of the vehicle is m, the speed of the vehicle with which it is moving is v, the radius of this curvature is r। Let us take a cross section of this car aur ye jo angle of banking hai let me take it equal to theta। This is the weight of the car
and this is the normal reaction provided by all the four tires in contact with the surface. Then by geometry, this angle will be equal to theta, and this angle will also be equal to theta. Now let's resolve the components of normal reaction. They will be r cos theta and r sin theta. Due to the turning of the vehicle, it will experience a centrifugal force of mv square by r, jiski tendency hogi ki ye vehicle skid ho. Lekin car ke tires aur surface ke beech mein frictional force hogi. Let me resolve the components of this frictional force now. They will be in this direction, f cos theta and f sin theta. अब मैंने जिन फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया है, लेट मी रिमूव देम. नाउ इन दिस केस आई वांट टू फाइंड द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड लिमिट. तो सबसे पहले मैं इन दोनों फोर्सेस जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है इक्वल रखूंगी, सो दैट द कार इज जस्ट मूविंग ऑन दिस बैंक रोड. हियर आर कॉस थीटा शुड बी बैलेंसिंग द अदर टू फोर्सेस, दैट इज एम जी एंड एफ साइन थीटा. तो ये होगा हमारा वाई डायरेक्शन में. लेट्स लुक एट एक्स डायरेक्शन. Here centrifugal force should be balanced by r cos r sin theta and f cos theta. Now let me rearrange this equation a bit. Let mg ek side kar deti hu main isko, then I'll get r cos theta minus f sin theta. Let this be my equation 1 and let this be my equation 2. Now if I divide 1 by 2, I'll get this equation, जहां पर m से m कैंसिल हो जाएगा. एंड नाउ व्हाट इज दिस f? f होता है हमारा म्यू r के बराबर. नाउ लेट मी रीअरेंज द राइट साइड फर्दर. r को मैंने कॉमन निकाल लिया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, और मैं अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर दूंगी. आई विल गेट दिस, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा टैन थीटा होता है. कॉस थीटा कैंसिल आउट, सिमिलरली दिस कैंसिल्स आउट एंड आई गेट वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय वन माइनस म्यू टैन थीटा. नाउ यहां से मैं वी की वैल्यू निकाल सकती हूँ. दिस इज द सेफ्टी स्पीड लिमिट. ये मैक्सिमम स्पीड है इस व्हीकल की, इफ वी डोंट वॉन्ट द कार और द व्हीकल टू स्किड. नाउ लेट्स डिस्कस सम स्पेशल केसेस. फर्स्ट केस इज वेन देर इज नो फ्रिक्शन ऑन द बैंक रोड. अगर बैंक रोड पे हमारे पास कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, देन व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड लिमिट. तो इस फॉर्मूला में हम म्यू की वैल्यू जीरो रखेंगे, इवन देन विल गेट सम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्पीड. इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू आर जी टैन थीटा. इसका क्या मतलब है कि इवन वेन देर इज नो फ्रिक्शन, स्टिल द कार कैन मूव विथ सेफ्टी अगर उसकी स्पीड इस वैल्यू से कम है तो. क्या ये फ्लैट रोड में पॉसिबल था? इट वॉज नॉट पॉसिबल इन फ्लैट रोड, क्योंकि उस केस में बैंकिंग नहीं होती है और हमारा वी मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू आर जी, म्यू की वैल्यू जीरो, मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू भी जीरो. नाउ लेट्स कंसिडर द सेकेंड केस. इफ द रोड इज फ्लैट, दैट इज थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है? जीरो डिग्री. Then the expression for safety speed limit reduces to under root of mu rg. जैसे आप इसमें देख सकते हैं, अगर आप इसमें theta की value zero रखेंगे, then tan theta will be equal to zero and you will get this expression which is exactly the same we derived earlier. Now in third case we have to find out the minimum speed required on bank road. अगर ये car बहुत slowly इस bank road पे चल रही है, then it is going to fall in this direction. तो मिनिमम स्पीड भी इस कार की होनी चाहिए. लेट्स रीड्रॉ दिस डायग्राम. इन दिस केस दीज आर द वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन, दीज आर द रिजॉल्व कॉम्पोनेंट्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड दीज आर द रिजॉल्व कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेट. दिस कॉम्पोनेंट ऑफ वेट, दैट इज एम जी साइन थीटा, हैज अ टेंडेंसी टू स्किड द कार इन दिस डायरेक्शन इफ द स्पीड ऑफ द कार इज वेरी स्लो. तो ये जो टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होगी, दैट विल बी एक्टिंग इन opposite direction. Let's resolve the components of F. There will be F cos theta and F sin theta respectively. The centrifugal force on this car will be mv square upon r. Now if we look at the forces along the x direction, we can write mv square upon r plus F cos theta is equal to r sin theta. So mv square upon r is equal to r sin theta minus F cos theta. Let this be my first equation. Now let's look at the y-axis forces.
यहाँ पर आर कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा आर बैलेंसिंग द वेट एम जी. सो हियर एम जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा. लेट दिस बी माई सेकेंड इक्वेशन. नाउ लेट मी डिवाइड वन बाई टू. आई विल गेट दिस. और जैसे मैंने प्रीवियसली सॉल्व किया था, इफ आई सॉल्व इट आई विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर वी एज दिस. इट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू अवॉइड स्किडिंग और फॉलिंग ऑफ द व्हीकल इन टुवर्ड्स द इनर एज ऑफ द रोड. So on banked roads there is a minimum speed limit as well as a maximum speed limit. अगर speed v minimum से कम होगी तो हमारा object inner edge की तरफ fall कर जाएगा, और अगर speed v maximum से ज़्यादा होगी then the vehicle is going to skid away. Now let's find an expression for optimum speed of vehicle. Optimum speed ऐसी speed है जिसमें कोई wear and tear friction की वजह से उसके जो chances है वो बहुत कम है, और ये हम इस केस में निकालेंगे जिस केस में हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो. ये उस स्पीड की बेस्ट वैल्यू है जिससे हमें टर्न लेना चाहिए. लेट अस सपोज द हाइट ऑफ द बैंकिंग इज एच एंड द ब्रेथ ऑफ द रोड इज बी. वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ थीटा ओवर हियर. सो दिस साइड विल बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. And tan theta will be given by perpendicular upon base, that is h upon under root of b square minus h square. Now, ये जो banking होती है, height होती है, that is very small as compared to b. b के comparison में बहुत small होती है, so we can approximate it to be equal to h upon b. Now, इस formula में देखते हैं, mu की value 0 हो गई, then this term goes to 0. Tan theta becomes h upon b. So, v optimum should be equal to under root of its mu, its r into g times h upon b. So this is the most optimum speed of the vehicle in which wear and tear due to friction will be least. Now let's consider a last special case, that is bending of cyclist on a level curved road. अगर एक road curve हो रही है, ये level road है, और इसके ऊपर हम cycling करते हैं, then our cycle bends अगर हम किसी speed से move करते हैं तो. What is the relation between bending, the angle of bending and the speed of the cyclist? जैसे कि आप इस picture में देख सकते हैं, let's suppose यहाँ पर theta हमारा angle है, which the cyclist makes with the vertical. In this case, the weight of the cyclist will be in downward direction, but the normal reaction will be in this direction. Now, agar ye angle theta hai, then this will be r cos theta and this component will be r sin theta. So, yahan par mv square upon r will balance r sin theta. Let's write the equations. And mg will be balanced by r cos theta. Now, let me divide the two. I will get v square upon rg is equal to tan theta. This is the relation between the angle by which the cyclist bends and the speed of the cyclist. So this is the end of the topic. I hope the lecture is clear to you. Thank you for watching. Have a good day.